अरे मामा, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में गुरुवार रात दुबई के एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला है कि हत्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और ट्रांस यमुना क्षेत्र के शूटरों ने अंजाम दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने इस मामले में 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCTV फुटेज में दिख रहे 2 मुख्य शूटर की पहचान मधुर और राजू के रूप में हुई है, लेकिन वे अभी भी फरार है। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा और आसिम बाबा को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। हालांकि हत्या के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह दुबई और भारत के बड़े व्यापारियों को एक बड़ा संदेश देने के लिए हत्या की गई है। आखिर गैंगस्टर भारत और दुबई से जुड़े व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्यों? आदि कई सवालों के जवाब हमें ढूंढने हैं। एक तो ये दुबई वाले व्यापारी और गैंगस्टर का संदेश, दूसरा ये कि नादिर शाह को क्यों बनाया टारगेट, आखिर ये आजमगढ़ मॉड्यूल क्या है, ट्रांस यमुना क्षेत्र से आए शूटर कितने खतरनाक है, आखिर इन सब के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का क्या संबंध है, आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने नादिर शाह को मारने की कसम क्यों खाई थी, जेल में लॉरेंस बिश्नोई को किसके इशारों पर टॉर्चर किया गया था, नादिर शाह के कारण लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि अब मैं कुणाल से 5 नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ रुपये लूँगा, आखिर ये कुणाल है कौन और ये करोड़ों रुपये की बात नादिर शाह के लिए मौत का कारण कैसे बन गई, आइए पूरे विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। कम छो मजामा, अरे मामा, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम के बाहर हुई नादिर शाह की हत्या ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी है। ये मामला इसलिए भी संगीन बन जाता है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका सामने आ रही है। दूसरा ये कि मरने वाला शख्स एक व्यापारी था, हालांकि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी थे, लेकिन इस हत्याकांड ने यूपी दिल्ली से लेकर दुबई तक के व्यापारियों में डर पैदा कर दिया है। पहले बात करते हैं कि आखिर नादिर शाह को टारगेट क्यों किया गया, तो कुछ अंदरूनी सोर्स का कहना है कि नादिर शाह नाम के इस व्यापारी को कई कारणों से निशाना बनाया गया है। वह दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर के नाम के एक व्यक्ति का दोस्त था। एक सूत्र ने बताया कि यह बात लॉरेंस गैंग को पसंद नहीं आई, जिसे कथित तौर पर बताया गया था कि शाह का के साथ करोड़ों रुपये का लेन देन हुआ है। बिश्नोई गैंग को यह भी बताया गया था कि शाह अपने संपर्कों का इस्तेमाल हासिम बाबा के आदमियों को निशाना बनाने के लिए करता था। नादिर शाह को टारगेट करने के और भी रीजन्स है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। कुल मिलाकर लॉरेंस गैंग इन सभी को एक संदेश देना चाहता था और इसलिए नादिर शाह को मार दिया गया। इस हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई क्या संदेश देना चाहता था, वह भी आगे बात करेंगे। फिलहाल इस हत्याकांड में आजमगढ़ मॉड्यूल को समझना बहुत जरूरी है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है और जिले का मुख्यालय भी है। आजमगढ़ और आसपास के इलाकों से कई बार आतंकी प्रवृत्ति या आतंकी संगठन से जुड़े आतंकियों के पकड़े जाने की खबरें आती रहती है। यही नहीं, देश में हुए कई आतंकी हमले में आजमगढ़ के आतंकी पकड़े गए हैं, यानी यहाँ के नौजवान आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जल्दी झुक जाते हैं। जल्दी अमीर बनने, महंगे शौक पूरे करने यहाँ के बहुत सारे युवा क्राइम के रास्ते चले जाते हैं। तो नादिर शाह हत्याकांड में भी इसी आजमगढ़ मॉड्यूल की पोल खुल रही है। दरअसल इस मामले में साउथ दिल्ली के एक भूमाफिया एजे, जो अब दुबई में रहता है, और पूर्वोत्तर दिल्ली के एक अन्य अपराधी साबिर की भूमिका की जाँच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आजमगढ़ के गैंगस्टर आकाश, प्रिंस और विशाल गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और जामिया नगर में रुके, जहां वह हासिम बाबा के आदमियों से मिले। बाबा के आदमियों ने कथित तौर पर उन्हें रसद, सहायता और हथियार उपलब्ध कराए। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत के नवीन जैसे कुछ अन्य शूटर भी उनके साथ मिल गए। वे एक ऑटो रिक्शा और बाइक से GKI के जिम पहुंचे। उन्होंने जिम के बाहर खड़े शाह को निशाना बनाया और रात करीब 10:45 को शूटर मधुर ने उस पर गोलियां चला दी। हमलावरों ने 15 राउंड फायर किए, जिसमें से 8 या 9 गोलियां शाह को लगी। इसके बाद शूटर मौके से फरार हो गए, कुछ सलीमपुर और कुछ अन्य जगहों पर चले गए। आकाश, प्रिंस, विशाल और नवीन को शुक्रवार तड़के अमेरिकन मेड रूगर पिस्टल और दर्जनों गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले गैंगस्टर रोहित गोदारा की उस वायरल पोस्ट पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उसमें भी कुछ दावे किए गए थे। गुरुवार आधी रात के आसपास
रोहित गोदारा के नाम से एक फेसबुक अकाउंट से हत्या की जिम्मेवारी ली गई। इस पोस्ट में कहा गया कि हमारे भाई समीर बाबा ने जो तिहाड़ जेल में बंद है उन्होंने संदेश भेजा था कि नादिर शाह हमारे धंधे में बाधाएं पैदा कर रहा है और हमारे दुश्मनों का दोस्त है, इसलिए हमने उसे मरवा दिया। जो कोई भी हमारे दुश्मनों की मदद करेगा उसका यही हश्र होगा। इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर पोस्ट वाकई में रोहित गोदारा की ओर से की गई थी तो फिर नादिर शाह का कत्ल एक गैंग वॉर की ओर इशारा करता है। पोस्ट में कहा गया हमारे धंधे में बाधा डालता था, किस तरह से बाधा डालता था आगे हम बताएंगे। अब बात करते हैं इस हत्याकांड में पकड़े गए सूत्रों ने पुलिस को क्या बताया, आइए जान लेते हैं। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके सूत्रों के हवाले से पकड़े गए सूत्रों ने बताया कि हत्या का ट्रांस यमुना क्षेत्र से गहरा संबंध है और इलाके के सबसे खूंखार गैंगस्टर बाबा साजिश में एक अहम किरदार है। अब दिल्ली पुलिस जेल में बंद गैंगस्टर रोहित चौधरी और नादिर शाह के बीच संबंधों की जांच पड़ताल कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के मुताबिक बाबा चिढ़ गया था क्योंकि नादिर शाह और गैंगस्टर रोहित चौधरी अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उनके आदमियों को साउथ दिल्ली के आया नगर जैसे इलाकों में काम करने नहीं दे रहे थे। नादिर शाह कुछ पुलिस कर्मियों का मुखबिर भी था और बाबा गैंग की गतिविधियों की सूचना पुलिस को देता था। रोहित गोदारा की पोस्ट में जिस समीर बाबा का जिक्र किया गया वह भी एक गैंगस्टर है और वह हासिम बाबा के कहने पर पूर्वोत्तर दिल्ली में काम करता है जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। अब बात करते हैं नादिर शाह और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी, लॉरेंस बिश्नोई की कसम और लॉरेंस की करोड़ों की वसूली, यह खबर इंडिया टीवी के एक ताज़ा लेख पर छपी है। खबर के मुताबिक नादिर शाह कुणाल छाबड़ा का बिजनेस पार्टनर था और कुणाल छाबड़ा से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। नादिर शाह ने पुलिस में अपनी पहुंच का रुतबा दिखाते हुए कुणाल से कहा था कि लॉरेंस की गैंग को कोई पैसे देने नहीं है। उधर नादिर शाह ने कुणाल को पैसे देने से रोका है, इसकी जानकारी बाद में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को मिल गई थी। इंडिया टीवी के लेख में छपी खबर में यह भी बताया गया है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नादिर ने अपने पहचान के एक आईपीएस अधिकारी को कुणाल छाबड़ा से रंगदारी मांगने की बात बताई थी, जिसके बाद आईपीएस के कहने पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया था और पूछताछ के दौरान उसे टॉर्चर भी किया था। इस पूछताछ के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस अधिकारियों से कहा था कि अब मैं कुणाल से 5 नहीं बल्कि पूरे 10 करोड़ रुपये लूँगा, यानी लॉरेंस की करोड़ों की वसूली में नादिर से बाधा बना तो उसकी हत्या हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नादिर शाह की हत्या की एक और वजह जो हमने पहले बताई कि नादिर शाह की दक्षिणी दिल्ली के गैंगस्टर रोहित चौधरी से दोस्ती थी, इसलिए भी हत्या हुई। इसमें एक और नाम जोड़ दो, रोहित चौधरी के अलावा नादिर शाह की दोस्ती रवि गंगवाल से भी थी। वहीं एक और खबर ये भी है कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर रणदीप को भी शामिल किया है। रणदीप इन दिनों अमरीका में है। नादिर शाह को मारने शूटर रणदीप ने ही भेजे थे। पहले ही हम बात कर चुके हैं आजमगढ़ मॉड्यूल की। इस केस में आजमगढ़ मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा गैंगस्टर रणदीप ही था। रणदीप आजमगढ़ का ही रहने वाला है, यहाँ तक तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। अब लास्ट में एक और बात बता दूं कि शुरू में हमने कहा था कि नादिर शाह का के नाम के व्यक्ति से करोड़ों का लेन देन था और ये बात लॉरेंस बिश्नोई को खटक रही थी, तो मामा ये के नाम का शख्स कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर रोहित चौधरी ही हैं। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में रोहित चौधरी का कोड नेम के चलता है, यानी दोनों की गहरी दोस्ती लॉरेंस बिश्नोई और हासिम बाबा के धंधे में टांग अड़ा रही थी, इसलिए नादिर शाह मारा गया। अभी तक तो यही वजह सामने आ रही है, बाकी आगे जाकर कोई और वजह सामने आए तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमसे जितनी इन्फॉर्मेशन निकल पाई उतनी निकाली और आपको शेयर कर दी। अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।